नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तीजा। मेरी खेती साची खेती में आपका स्वागत है। इस साल धान की रुपाई करने के बाद बारिश बहुत कम हुई, इसके कारण फुटाव बढ़वार भी कम रहा। जैसे तैसे फसल को न्यूट्रिएंट्स खाद पानी देकर बड़ा किया। अब कुछ दिनों से पत्ता लपेट सुंडी और गोब की सुंडी मतलब तना छेदक स्टेम बोरर और लीफ होल्डर का अटैक आया हुआ है, ज़बरदस्त आया हुआ है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि एक महीने की फसल होने से पहले ही तना छेदक की तितलियां खेत में उड़ती दिख रही हैं, पत्तों पर अंडे दिख रहे हैं। फटेरा वाला दानेदार कीटनाशक 5 किलो प्रति एकड़ डाल दिया है, फिर भी कोई खास ज़्यादा असर नहीं दिख रहा। कुछ दिन इंतज़ार के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। पत्ता लपेट सुंडी का नुकसान साफ साफ दिख रहा है। पत्तों पर हरा रंग उड़ के सफ़ेद हो गए हैं, हरा रंग गायब हो गया है। PR 114 के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, फुटाव पूरा है। सब ने पूरी सेवा करके एक बारी तो फसल को तैयार कर लिया है। अब आगे बारिशों की भी पूरी संभावना है। शीत ब्लाइट से बचाव को ध्यान में रखते हुए जो स्प्रे मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ साझा करता हूँ। खर्चे और रिजल्ट को ध्यान में रखकर मैंने तना छेदक के लिए 2 सिस्टेमिक दवाओं को चुना है। ठीक है जी, पहली दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसको 100 ग्राम लिया है पर एकड़, सिस्टेमिक है, तना छेदक के लिए पत्ता लपेट को भी मारेगी। दूसरी सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दवा ली है मैंने कारटॉप SP50, ये 250 ग्राम प्रति एकड़, और ये दवा तना छेदक के साथ साथ पत्ता लपेट सुंडी को भी आसानी से कंट्रोल कर लेगी। पानी प्रति एकड़ रखा है 180 से 190 लीटर। इन दोनों दवाई का खर्चा मुझे 450 रुपये प्रति एकड़ पड़ेगा। घोल अलग अलग बनाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी, तीसरी दवाई जो है ये मैंने ली है पल्सर, थायोफ्लुजामाइड होता है इसके अंदर। घोल अलग अलग बनाएं तो बेहतर रहता है। फसल को अभी तक ज़्यादा बीमारियों के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, परंतु पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए नीचे वाले जो खेत हैं PR 114 में थायोफ्लुजामाइड 160 ml प्रति एकड़ पल्सर फंगिसाइड को भी साथ में मिलाकर स्प्रे कर रहा हूँ। ये शीत ब्लाइट से फसल का बचाव करेगी। बीमारी कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि बचकर चलो, बचाव में ही सफलता होती है। पल्सर का खर्चा मुझे 450 रुपये प्रति एकड़ पड़ रहा है। ये जो कारटॉप SP50 250 ग्राम और इमामेक्टिन 100 ग्राम का फार्मूला पिछले साल बहुत कामयाब रहा था, इस साल भी पूसा 1500 पर काफ़ी अच्छा काम किया है। बासमती की फसल अभी छोटी है, 35-40 दिन की है, वहाँ पर अभी बीमारी के चांस कम लग रहे हैं, तो पल्सर फंगिसाइड्स को नहीं मिलाऊंगा, लेकिन तना छेदक के लिए तो स्प्रे करना ही पड़ेगा। आप भी अपनी फसल का समय पर ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।